सो आपको ख्यालात पूरा दिन 24 घंटे आ रहे होते हैं। बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जब मेरे पास रात को 11 बजे फ़ोन आया है कि मैं ये सोच रहा था और ये मुझे आपसे डिस्कस करना था, आपको लगता है कि ये हम काम ऐसे कर सकते हैं? एंड दिस इज समबडी हु वर्क्स विद माई लाहौर ऑफिस हु थॉट ऑफ समथिंग एट 10:30 इन द नाइट एंड कुडंट होल्ड, सो ही पिक्ड अप द फोन एंड कॉल्ड मी। द पॉइंट इज, आप जब तक इस काम को नौकरी समझ के करेंगे तब तक ये काम बुरा लगेगा। आप अपनी सक्सेस की सबसे बड़ी, जिसको कहना चाहिए द फैक्टर दैट यू ओ योर सक्सेस टू, किस चीज़ को मानते हैं? आई एंजॉय दिस वर्क। यू एंजॉय दिस वर्क। सो आपके ख्याल में कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी यंगस्टर अगर ज़िंदगी में कामयाब हो जाना चाहता है तो अपना जो भी काम वो, जो भी प्रोफेशन सेलेक्ट करे, उसके लिए पैशन एक इन्ग्रीडियंट, एब्सोल्यूट एसेंशियल, ठीक है? और उसकी बहुत सिंपल सी वजह है, उसकी वजह ये है कि उसके बाद काम काम नहीं रहता, ठीक है? सो आप जब काम ख़त्म करके घर जाते हैं तो अपने आप को एंजॉय करने के लिए कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी एंजॉयमेंट ही काम है तो फिर काम ही ख़त्म नहीं होता। एंड देयरफॉर आप जितना ज़्यादा वक्त यहाँ लगाएंगे उतना आप एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं। और घर वाले जो परेशान हो रहे होंगे पीछे के, जी हमारा तो सारी बर्थडेज, एनिवर्सरीज, ईद, त्यौहार सब काम की नज़र होते जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मेरी बीवी जन्नती है और उसको जन्नत में सिर्फ इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि उस बेचारी ने मुझसे शादी की। दैट्स इट। उसके अलावा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दुनिया नहीं है लेकिन आकबत सवर जाएगी घर वालों की। सो अगर मतलब इस प्रोग्राम को अगर कुछ ऐसी लड़कियां देख रही हैं जिनका ख्याल है कि वो किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेंगी जो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वो पहले तो उससे ये सवाल पूछ लें कि डू यू डू दिस एज वर्क और डू यू एंजॉय डूइंग योर वर्क, एंड इफ ही एंजॉयज डूइंग योर वर्क, डोंट गेट मैरिड टू हिम। रन फॉर द हिल्स, रन फॉर द माउंटेंस देयर एंड देन। जान साहब, यू वर्क विद मीडिया और जाहिर सी बात है दुनिया भर की केस स्टडीज, दुनिया भर की मॉडल्स आपके सामने आ रहे होते हैं। Who do you consider as the number one media icon? कुछ लोग कहते हैं जी शाहरुख खान बहुत बड़े हैं, अमिताभ बच्चन, लोकली अगर देखा जाए तो पीपल यूज़ टू कॉल, यू नो, नादिया खान का जिक्र होता था। पीपल हु वर एबल टू हैव द मासेस की इन टू एवरी वर्ड और एवरी थिंग दे से, हमारे मुल्क में आप किसको कहेंगे हु इज़ अ मीडिया आइकॉन और सुपर स्टार? Oops. We don't have any? देखें, मैं जो नाम लेने लगा हूँ ना वो नाम बहुत कॉन्ट्रोवर्शल है, लेकिन जिस वक्त ये सवाल आपने मुझसे पूछा है मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच रहा। जिस 10 नाम आए मेरे जहन में और मेरे ख्याल में इस शख्स से ज़्यादा बड़ा मीडिया आइकॉन इस मुल्क ने अब तक प्रोड्यूस नहीं किया, और उस शख्स का नाम है परवेज मुशर्रफ। जिस टाइम पर वो टीवी पर आकर बात करना शुरू करता था तो लोग सुनते थे, ठीक है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट गॉट डाइल्यूटेड, इट गॉट डाइल्यूटेड अ बिट, बट दे वुड स्टिल लिसन टू हिम, ठीक है? एंड आई थिंक द इम्पैक्ट दैट ही हैड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन हैपेंड बिकॉज he believed in what he was speaking, the conviction showed. जब तक वो conviction नहीं होगा और वो बहुत से लोगों में नहीं होता। और अभी जो हम देख रहे हैं कि wave of change की बात हो रही है, सुनामी की बात हो रही है, आपको लगता है कि कोई सुनामी आने वाली है पाकिस्तान में? I don't know. Is that the diplomatically, politically correct answer? नहीं, इसलिए कि ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, मेरे घर कोई अखबार नहीं आता। आप मीडिया बाइंग हाउस चला रहे हैं और आप अखबार नहीं पढ़ते, आपके ख्याल में अखबार वैसे भी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, लेकिन अखबार ना पढ़ने की, और मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता, और उसकी वजह यह है कि अगर मैं ये देखना शुरू कर दूं तो मैं शायद 3 महीने में डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। और मेरी बहुत सी गुफ्तगू में जो ऑप्टिमिज्म आपको नज़र आएगा वो शायद इसी वजह से है क्योंकि मैं इनमें से कुछ भी नहीं कंज्यूम करता। तो अगर आपकी अपनी राय भी है कि इस वक्त काफ़ी हद तक जो प्रोग्रामिंग
मुसल्लत की जा रही है, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तानियों पे, वो काफ़ी डिप्रेसिव है, तो इसको बदलने के लिए क्या मीडिया बाइंग हाउसेस कोई रोल अदा कर सकते हैं? क्यों, मतलब हर चीज में मीडिया बाइंग हाउसेस क्यों आ जाते हैं? अच्छा, देखें बात ये है, यू कंट्रोल द फंड्स, दैट्स व्हाई. नो, आई वी डोंट. देखें, अच्छा, हमारा काम प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम उस जगह पर अपनी एडवर्टाइजिंग प्लेस कर रहे हैं जिसको लोग देख रहे हैं. अच्छा, आपकी ये बात कोई सुने ना सुने, मैं ज़रूर चाहूँगी कि चैनल ओनर सुन लें, क्योंकि उन्होंने सारे प्रोड्यूसर्स की, अपने सारे एक्टर्स की, सारे एंकर्स की, अपने मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट वालों की शामत लाई रखी होती है कि जाओ और किसी ना किसी तरह इस प्रोग्राम को वायबल बनाओ. प्लीज़ उनको बता दीजिए कि ये अपने आप में एक फिनोमेना होगा, दैट पीपल विल वॉच द शो एंड इफ इट गेट्स द रेटिंग्स द फंड्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली फॉलो. ठीक, मेरे पास बहुत से चैनल ओनर्स भी जब आते हैं उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, अगर आपकी रेटिंग आ रही है तो मैं आपके पास एडवर्टाइजिंग जाने से रोक नहीं सकता, और अगर आपकी रेटिंग नहीं आ रही है तो मैं एडवर्टाइजिंग ला नहीं सकता. मेरे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सिंपल डिसीजन है, और वो डिसीजन पब्लिक ऑर्गेनाइज कर, पब्लिक डिसाइड करती है, हम नहीं करते. ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम अच्छा है और इतने लंबे अरसे तक चल रहा है कि उसको लोग देखना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद एडवर्टाइजिंग. अच्छा, आप अखबार पढ़ते नहीं हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते नहीं हैं, सो योर गेट अवे इज़ व्हाट? डू यू लाइक रीडिंग, डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक गोइंग ऑन अ वेकेशन? आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इंटरनेट, ओके, रीडिंग स्टफ. आई प्ले गोल्फ, लाइक आई सेड, सो बिटवीन दीज टू थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम इज टेकन. Plus, I try and understand the reason why I exist. Do you reflect? Do you meditate? A lot. And that's... And therefore, a lot of reading or a lot of insight goes towards answering that question. Rian sahab, I think this is for the public interest. Main zarur viewers ke liye puchna chahungi ke when an accomplished man like yourself, aap kahein ke aap kisi sawal pe atak jaate hain. आइंस्टाइन की एक सेइंग है कि यू नो यू कांट सॉल्व टुडेज प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग दैट यू फर्स्ट यूज टू क्रिएट देम. यानी ये जो हम सोच रहे होते हैं, हमारा एक पैटर्न होता है सोचने का, उसको बार बार चैलेंज करने की ज़रूरत है. व्हेन यू गेट स्टक ऑन अ क्वेश्चन, किसी सवाल का आपको जवाब ना मिल रहा हो, कैसे ढूंढते हैं उसका जवाब? बहुत आसान है, और शायद बहुत से लोग ये जवाब मेरा सुनने के बाद देखें यार अजीब पागल आदमी है, लेकिन इफ़ यू कैन जस्ट ओपन द कुरान at random whenever you get stuck and just start reading whatever you're seeing, read it for 5 minutes, 10 minutes, whatever, matlab jo aap pad rahe hain uska perspective, uska context khatam ho jaye, uske baad aap dobara us kitab ko band kar dein aur apni problem pe wapas chale jaye. I can guarantee you will find the solution. That's the clarity you get. Okay, and it's very interesting, it has nothing to do with any religious bent. But are you very religious? In my own way, yes. Okay, but there are a few uses for that book which we never, hamare liye quran wo kitab hai jo shaadi mein kisi ke sar ke upar aur shayad marne ke baad uski qabar mein rakhne ke liye kaafi hota hai, ya acche se ek kapde mein lapet ke ghar ke mein kahin rakha hua hota hai. theek hai, but if you, I mean, it's a very interesting use of that book. Read it. What do you regard, and this perhaps will be my last question to you, कि आपके इस ख्याल में बहुत सारी accomplishments हैं आपकी माशाल्लाह लाइफ में, and you've now been awarded the highest civil order, माशाल्लाह, the सितारे इम्तियाज. Failure अपनी ज़िंदगी का किस चीज़ को मानते हैं? यानी हर इंसान की लाइफ में successes and failures भी होते हैं, तो what is your one thing जिसमें आप कहें कि सिद्रा अगर मुझे मौका मिलता है, and if I could do it differently, yeah, there's one regret that I have, it would be this. Regret में और failure में बहुत फर्क है. Regret मुझे कोई नहीं है. Failures बहुत है और अब तक है. What's the biggest failure? There is no, देखें, at any when the failure happens, it is the biggest failure. Crisis it can pull you down. It is the biggest crisis that you could, you think you will ever go through. How do you but bounce when back? When you think about it, the problem is every mistake that you make, every failure that you go through has happened to you to make you a better human, to learn from it. ठीक है, गलती करें
गलती से डरे नहीं, मत डरे गलती करने से, फेलियर होगा कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, जस्ट डोंट रिपीट इट अगेन. सो डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन. इन अदर वर्ड्स, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट. अपने आप को माफ़ कर दें कि आपसे गलती हो गई है, जो कि हमारे यहाँ अक्सर नहीं करते, हम अपने आप को बार बार विक्टिम प्ले करते रहते हैं. बट डोंट फॉरगेट द लर्निंग, जो उससे आपने सीखा है उसको कभी ना भूलें. दैट वे यस, लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी के साथ हमारा आज का इंटरव्यू अपने खिताम को पहुँचता है. राम साहब, थैंक यू सो मच. एज अ स्मॉल बॉक्स ऑफ चॉकलेट टू एड अ स्वीट एंडिंग टू दिस वंडरफुल इंटरव्यू, वी लर्न अ लॉट. और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे व्यूअर्स ने भी सीखा होगा कि मीडिया को अक्सर हम या तो उसके प्रो होते हैं या उसके अगेंस्ट होते हैं, बट देर सो मेनी इन निटिग्रिटीज दैट वन नीड्स टू पे हीड टू. और वो जितने लोग, क्योंकि हमने स्पेशली कहा ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए, आपके भी बहुत सारे खदशात, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिफाई होते हैं कि हाउ कैन अ मैन बिकम एन अचीवर एंड गो बियॉन्ड द टाइटल. बहुत ज़रूरी होता है कि यू डोंट लेट योर अकम्पलिशमेंट्स गेट टू योर हेड एंड कीप लुकिंग फॉरवर्ड. इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है. अगले हफ्ते एक और अचीवर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे. आपको ये बताएंगे कि हु इज़ दैट पर्सन, हु इज़ दैट मैन और वुमन बिहाइंड द टाइटल. हो सकता है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी टीम को तो वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो उनको इंस्पायर करती हैं. हमें अपने कॉमेंट्स और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा. यू कैन राइट टू मी ऑन माई ई मेल एड्रेस विच इज़ राइट बिफोर योर स्क्रीन. साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पे हमारे पेज पे भी रीच कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है. अगले संडे तक के लिए, क्योंकि हम हर संडे 10 o'clock आपके साथ होते हैं रात को, मुझे इजाज़त दीजिए, सिद्रा को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.